की जॉब हमारी FPS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आई है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है FPS, गूगल में जाते हैं और हम इसको सर्च करते हैं। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो आप देखें यहाँ पे FPS जो पहली साइट आपको नज़र आ रही है यह ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमने इसको राइट क्लिक करके ओपन किया तो ये साइट आपके सामने आ गई। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, जिसमें आपको सर्विस इंफॉर्मेशन, जनरल रिक्वायरमेंट, डिपार्टमेंट्स के बारे में और जो है कि असामियाँ और जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है। ये हाईलाइट्स का मतलब ये होता है कि जो अभी बिल्कुल रिसेंट जो जॉब्स चल रही होती हैं ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, और रिकमेंडेड लिंक वगैरह और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शामीर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल शामीर टीवी को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर क्लिक करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जॉब्स, ये आपको कॉर्नर पे एक जॉब्स और असामियाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको जॉब की जनरल रिक्रूटमेंट आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है कि वो मिल रही है। ये अपडेटेड जॉब्स हैं जिनमें ये बता रहा है कि ये तीसरे मंथ की 2018 का एड है और 19 मार्च 2018 इसका लास्ट डेट है। ये बीपी स्केल 17 की जॉब है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, गिलगित बलिस्तान वगैरह जॉब के लिए है। उसके बाद स्टाफ नर्सों की जॉब है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है, इस तरह मुख्तलिफ ड्राफ्ट्समैन की लिए जॉब हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है, चीफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। ये जो पहला पेज के ऊपर जो आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इस तरह ये डेली बेस पे जो है कि अपडेट होता रहता है और नई नई जॉब्स इनसाइट्स पे आती रहती हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। हम यहाँ पे ये सीखेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे हमने कैसे जो है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है अपनी जॉब के लिए। तो सबसे पहले ये बात आपको बता दूँ कि इसमें जो होता है कि आपको चलान फॉर्म जो है अप्लाई करने से पहले चलान फॉर्म जो है कि वो लेना है और उसको फिलअप करना है। चलान फॉर्म आपको इसी वेबसाइट पे, यहाँ पे ये देखें ये लिंक पड़ा हुआ है चलान फॉर्म का, इस पर क्लिकशन जो है कि आपकी मुकम्मल जो है कि यहाँ पे आपको डालनी है, जिसमें आपने अपना नाम डालना है, आपने अपना NIC नंबर डालना है, फादर नेम डालना है, केस नंबर डालना है। अब केस नंबर क्या है कि जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं तो वो केस नंबर आपको जो है कि वो नज़र आता है यहाँ पे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जॉब को सिलेक्ट करते हैं और इसको जैसे ही हमने ये अप्लाई किया तो आपको इसका केस नंबर यहाँ पे सबसे पहले टाइटल में नज़र आ रहा है, केस नंबर जॉब टाइटल F4-16/2018-R, ये जो है ये आपका जो है कि वो केस नंबर है। यानी कि आपने अपनी जो भी जॉब अप्लाई करनी है, अगर आपने इस पोस्ट के लिए सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जॉब अप्लाई करनी है तो फिर आपको अपने चलान फॉर्म के अंदर ये केस नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें आपने अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह डालना है और यहाँ पर अपने एप्लीकेंट ने सिग्नेचर करने हैं, और इसमें जॉब की फ़ीस जो मेंशन है वो फ़ीस जो है कि वो आपने डालनी है। तो वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप पहले आपने ये देखना है कि आप किस स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 17 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 14, 16 एंड 17 RS 300। यानी कि आपको जो चलान फॉर्म अभी बैंक में जमा करवाना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप जमा करवाएंगे तो उसकी फ़ीस आपने देनी है 300 रुपया। इस चलान फॉर्म पे जो फ़ीस आपने मेंशन करनी है वो 300 रुपया करनी है, ठीक है। और ये बैंक में आप जो जमा करवाएंगे तो वो आपको एक दो पेज वो अपने पास रख लेंगे और दो पेज वो आपको दे देंगे, जिसमें से एक पेज आप अपने पास रखेंगे और एक पेज जो है वो अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है कि आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपने वापस अपनी साइट पे आना है और अपने जॉब के जो रिक्वायरमेंट है वो आपने देख लेनी है। सबसे पहले ये आपको बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट,
ये बताया जा रहा है कि ये जो जॉब है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आई है? ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के अंदर जॉब है ये। 17 स्केल की जॉब है। इसमें बेसिकली जॉब ड्यूटीज़ के हवाले से ये बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या आपके ज़िम्मे काम होगा और किस तरह आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी है। जॉब स्टेटस जो है ये टेम्परेरी बेस पे जॉब है, बाद में ये हो सकता है इसको परमानेंट कर दिया जाए। एबिलिटी जो है ये आपको दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है एज की वो 5 साल की है। मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी जा रही है वो आपका मास्टर डिग्री सोशल वेलफेयर में, सोशियोलॉजी में, इस तरह यूनिवर्सिटी से किसी भी जो है कि वो HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन जो होता है इससे वेरीफाइड इदारा हो, यूनिवर्सिटी हो, उसकी डिग्री जो है कि वो आपकी मास्टर डिग्री जो है वो कंसर्निंग फील्ड से मांगी जा रही है। डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है और क्लोजिंग डेट जो है 19 मार्च 2018 है। तो इसमें ये रिक्वायरमेंट जब आप देख लेते हैं तो फिर आपको अप्लाई पे जाना है। अप्लाई पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपको दो तरह की अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम को जो है कि वो हम अप्लाई करते हैं। इसमें से आप जनरल रिक्रूटमेंट को हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही जनरल रिक्रूटमेंट को अप्लाई करेंगे, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल शामिर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म जैसे ही ओपन हुआ तो सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट जॉब। आप जिस भी पोस्ट के लिए वहाँ पे आपने चलान फॉर्म जमा कराया है आप वो पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे हमने सोशल वेलफेयर ऑफिसर का चलान फॉर्म जमा करवाया है तो हमने उसको अप्लाई कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद वो जी हमें उसकी कंसर्निंग रिक्वायरमेंट जो है कि जॉब डिटेल्स हवाले से वो बताई जा रही हैं कि जी आप क्या इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप अप्लाई फॉर दिस पोस्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद अपना NIC नंबर डालें। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक स्लिप, यानी कि ये जो चलान फॉर्म मैंने आपको दिखाया है ये जिस दिन भी आपने बैंक में जमा करवाया है वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी। यहाँ पे आपने ये 300 रुपया फीस सेलेक्ट कर लेनी है। बैंक का नाम, जिस भी बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हैं, वैसे नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल इलाकों में जो होता है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचें मौजूद होती हैं। स्टेट बैंक की ब्रांच हर जगह पे मौजूद ना होने की वजह से जो है कि वो मसला होता है। तो फिर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद ब्रांच का कोड जो आपको स्लिप मिलेगी स्टैम्प होके कैशियर की जानिब से, उसके ऊपर ब्रांच के स्टैम्प के अंदर ब्रांच कोड लिखा होता है तो वो आप अपना ब्रांच कोड लिखें। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आपका डोमिसाइल पंजाब का है। आप अपना जेंडर बताएँ, मेल फीमेल। उसके बाद आप अपना रिलीजन बनाएं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट बताएं, आप किस ज़िला से तल्लक रखते हैं, आप टेस्ट में किस इलाके में इंटरेस्टेड हैं टेस्ट देने के लिए। ये इलाका वो सिलेक्ट करें जो आपके बिल्कुल नज़दीक हो और बड़ा आसानी से आप वहाँ पे पहुँच सकें। इंटरव्यू सेंटर भी अपना सेम रखें जो आपने टेस्ट सेंटर रखा। और इस तरह आप अपनी क्वालिफिकेशन अगर आप मीट करते हैं जो उन्होंने मांगी है तो वो आप यस करें। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन, डिग्री जो आपने लास्ट डिग्री ली है मास्टर डिग्री, उसकी जो रिज़ल्ट आया है उसकी यहाँ पे आपने डेट डालें। और ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लिख के आप प्रोसीड करके स्टेप टू पे चले जाएंगे। इसी तरह ये आपने फॉर्म जो है वो सारा फिलअप कर लेना है। जैसे ये फॉर्म सारा फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपने जो है कि वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है कि वो प्रिंट जो है कि वो निकालने के लिए कहेगा तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकाल के और चलान फॉर्म की जो कॉपी है वो आपने उसको जो है कि वो करनी है साथ लगा के, और बाय डॉक भी भिजवानी है। और दूसरा जो है कि स्कैनिंग करके जो चलान फॉर्म है वो स्कैन करके भी आपने इसमें अपलोड करना है। पिक्चर वगैरह और आईडी कार्ड की कॉपी भी स्कैन करके अपलोड करनी है, ठीक है जी। अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए